स्वागत है आपका मेरे चैनल होम फर्निशिंग केडी में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक नैपकिन कैसे बनाते हैं। हम नैपकिन बनाएंगे, उसका साइज़ होगा 10 इंच बाई 10 इंच और आधा इंच का उसका बॉर्डर होगा। कॉर्नर वाली नैपकिन बनाएंगे कोना काट के। ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मेरे पास ये टुकड़ा है कपड़े का, हमें 10 इंच बाई 10 इंच बनाना है, तो मेरे पास 12 इंच बाई 14 इंच का एक टुकड़ा है। हमें इसके लिए कम से कम 12 इंच तो चाहिए कपड़ा। ये विड्थ तो इसकी ठीक है बिल्कुल, जो ये थोड़ा बहुत टेढ़ा है कपड़ा, इसको मैं सीधा कर लूँगा। अब मैं इसको ऐसे डबल कर लूँगा फोल्ड बराबर से, यहाँ से इसे मैं इसे सीधा कर लूँगा। इधर से मेरा ये 12 इंच है, इधर भी इसको मैं 12 रखूँगा, तो 6 रखूँगा मैं इसको। डबल है कपड़ा, 6 इंच इसको यहाँ रखूँगा मैं। कपड़ा मैंने डबल कर लिया है, इसको सीधा कर लूँगा ऐसे, इसको काट लूँगा। अब इसमें कॉर्नर कैसे काटना है ये बताता हूँ। अब हम इसको 4 फोल्ड में ऐसे फोल्ड कर लेंगे। हम कॉर्नर वाली नैपकिन बना रहे हैं, तो हमें कॉर्नर के लिए पहले निशान लगाना पड़ेगा। कॉर्नर काटने के लिए हमें आधा इंच का कॉर्नर बनाना है। हमें आधा इंच का बॉर्डर बनाने के लिए हमें हमेशा याद रखना है कि जितने इंच का भी हमें जितने भी बॉर्डर तैयार करना है उसका हम डबल ले लेंगे। आधा इंच का बनाना है, 1 इंच ले लिया मैंने, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले लेंगे, 1 इंच और 1 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हैं, ये सेंटीमीटर में दिखाता हूँ मैं, यहाँ तक इंच हो गया, ये 2.5 सेंटीमीटर है, 1 इंच का हो गया। अब हम यहाँ पे इसको 3.5 सेंटीमीटर ले लेंगे, इधर 3.5 सेंटीमीटर, इधर आधा 1 इंच और 1 सेंटीमीटर, 1 इंच हमारा यहाँ हो गया और 1 सेंटीमीटर हमने एक्स्ट्रा लिया। जितना बॉर्डर रखना है उसका डबल लेना है, उसके बाद 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रखना है हमें। इसी रूल से कभी भी कोना काटा गया, हो गया। अब हम इसका कोना काट देते हैं। अब मैं आपको सिल के बताऊंगा। ये नैपकिन हमने आपको कटिंग करके अभी दिखाई थी, अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करके दिखाएंगे। जो कोने हमने काटे थे, इस इन कोनों को कैसे सिलना है, ये हमें ऐसे इसको सिलना है। हम अपने चारों कोनों को ऐसे बांध लेंगे, जी हाँ। हमें यहाँ से इसको क्वार्टर इंच लेना है, और क्वार्टर इंच ही हमें यहाँ सिलाई का मार्जिन लेना है कोने को सिलते वक्त। कोने पे भी हम 1 सेंटीमीटर का ही मार्जिन रखेंगे, जी हाँ। ठीक, इसी प्रोसीजर से हम अपने सारे कोने बांध लेंगे बारी बारी। अब हमने अपने चारों कोने बांध लिए हैं, अब हम इनको सीधा कर लेंगे। अब इस पे फाइनल सिलाई रह गई है, अभी हमारा नैपकिन तैयार हो जाएगा। कोने सही से निकालें, कोने सही से नहीं निकालेंगे तो नैपकिन का कॉर्नर सही नहीं आएगा। अभी हम इसको ऐसे मोड़ कर इस पर सिलाई लगा देंगे। चारों कोने अपने ऐसे हम पक्के कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम 10 इंच बाई 10 इंच का नैपकिन बनाएंगे, ये देखिए 10 10, और आधा इंच का हम इसका बॉर्डर बनाने वाले थे। आप देख सकते हैं इसका साइज़ आधा इंच एग्जैक्ट है,
तो मैं यही समझाना चाह रहा था, आप हमारे प्रोसीजर से अगर हमारे वीडियो को देख के कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे, उसकी स्टिचिंग क्वालिटी, साइज, सब कुछ बहुत बढ़िया आएगी आपके पीस की। और एक बार आप ज़रूर ट्राई करें बना के। और नैपकिन में ख़ास ध्यान आपको रखना है कि स्टिचिंग बारीक ही रखें, बेहतर है जितना बारीक पॉसिबल है आप उतना बारीक रखें स्टिचिंग, तो नैपकिन के लिए बढ़िया रहता है, बारीक सिलाई से ही नैपकिन बनानी चाहिए।